गठबंधन धृतराष्ट्रों के बीच में जकड़ा हुआ है और इन धृतराष्ट्रों के चलते पूरा बिहार इसका खामियाजा भुगत रहा है। पूरा महागठबंधन के ये पुत्र मोह के चलते बिहार त्रस्त है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। पिछले 10 से 15 दिनों के बीच में जो कुछ महागठबंधन में घटा है उससे बीजेपी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। बीजेपी चुटकी भी साध रही है और बीजेपी हमला भी कर रही है महागठबंधन पर, खास तौर पर लालू यादव और जगदानंद सिंह पर। जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जगदानंद सिंह नाराज हो गए, अब बीजेपी कह रही है कि पुत्र मोह में महागठबंधन फंसा हुआ है। एक तरफ लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह अपने बेटे के इस्तीफे से त्रस्त हैं और ये असमंजस में फंसे हैं कि इस्तीफा दूं या नहीं दूं। फिलहाल खबरें हैं कि जगदानंद सिंह दिल्ली गए हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, लेकिन बीजेपी ने बड़ा हमला किया और कहा है कि पुत्र मोह में ये दोनों नेता फंसे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह। महागठबंधन पुत्र मोह में धृतराष्ट्रों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, दूसरे तरफ अपने बेटे का इस्तीफा से त्रस्त श्री जगदानंद सिंह जी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। जो राजद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के चक्कर में फंसे हैं कि दूं कि न दूं, पुत्र मोह में पूरा जो है महागठबंधन धृतराष्ट्रों के बीच में जकड़ा हुआ है और इन धृतराष्ट्रों के चलते पूरा बिहार इसका खामियाजा भुगत रहा है। पूरा महागठबंधन के ये पुत्र मोह के चलते बिहार त्रस्त है। तो सुना आपने अरविंद सिंह को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन में खींचतान बना हुआ है जिससे बिहार का भला नहीं हो रहा है, बिहार के लोग काफ़ी त्रस्त हैं और पुत्र मोह में ये लोग व्यतीत हैं और पुत्र के लिए राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव को अपने पुत्र को सीएम बनाने की जल्दबाजी है तो वहीं जगदानंद सिंह अपने बेटे के इस्तीफे से त्रस्त हैं। तो अब देखना होगा जगदानंद सिंह क्या इस्तीफा देते हैं। फिलहाल इस वक्त जो है बीजेपी नीतीश कुमार पर और महागठबंधन पर पूरी तरीके से हमलावर है। फिलहाल इस खबर में ताहीं बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।